आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखिए, एक चाय वाला और उस पर उसके ऊपर भी लिखा हुआ है चाय का एक प्याला और उसमें लिखा हुआ है अखंड हिंदू चाय वाला। देखिए ध्यान से लोग कैसे चाय का आनंद ले रहे हैं और चाय वाला देखिए कैसे चाय के साथ अदरक को कूट रहा है अपने को और वो ये चाय उबल रही है पीतल के पतीले में। और देखिए मिट्टी के कुल्लड़, ये वो जो मिट्टी है जिस मिट्टी में हम लोग रचना और बसना चाहते हैं और वो मिट्टी की महक जो आनंद देती है चाय के साथ उसका आनंद ही कुछ अलग है। और यहाँ पर चाय की चुस्की लोग ले ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भीड़ लगी रहती है लोगों की है। और ये नज़ारा देश की राजधानी दिल्ली में, और एक नाम और जो अचानक याद आता है कि चाय वाले से, जैसे हमारा देश का एक प्रधानमंत्री है जिसे हम कहते हैं चाय वाला, चाय बेच करके वो प्रधानमंत्री बना, तो इससे ये पहचान भी सिद्ध होती है कि चाय में हमारे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, गुण हैं, रहस्य हैं जो प्रधानमंत्री तक चाय बेच करके और चाय पी करके बन सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत आज इस देश की राजधानी दिल्ली में चाय वाला के नाम से एक छोटी सी दुकान मेट्रो स्टेशन के नीचे लेकर के बैठा हुआ है, एक व्यक्ति को रोज़गार भी मिला है। लेकिन इसमें ये बात भी झलकती है कि एक ऐसा प्यार, एक ऐसी चाय, एक चाय की चुस्की में लोग यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं, भीड़ लगा कर खड़े रहते हैं और चाय में जब भी देखता हूँ यहाँ पर उबलती रहती है। चाय का जो आनंद है वो चाय पीने के बाद ही ले सकते हैं और आप आइए चाय का आनंद लीजिए। हम बात करेंगे यहाँ कुछ लोग जो चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? आचार्य प्रहलाद, जय सियाराम। आचार्य प्रहलाद, जय सियाराम। एक सर्दी की शाम हाथ में एक अखंड हिंदू चाय वाले की चाय, जिसका शुरुआत ओंकार से होती है और चाय के कप के साथ अखंड हिंदू ध्वजा के साथ है। यदि आप देखेंगे तो मुझे भारत की माटी को चूमने का मौका इस चाय के द्वारा मिल रहा है और ये वही चाय है जो अंग्रेज़ों ने हमको बांटने के लिए इस्तेमाल की थी आज़ादी से बहुत साल पहले। पूरे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। आज वही चाय है, मोदी जी से लेके हम सभी सनातनी इस चाय के ऊपर एकत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। तो अखंड हिंदू चाय वाला लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, बिल्कुल सीढ़ियों के पास, सचदेवा जूस के पास, यहीं पे मेन बस स्टॉप है, यहीं पे नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद जाने का मुख्य स्थान है। आप यहाँ पे आइए। और एक ख़ास बात, एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय नहीं बन रही है, पीतल के बर्तन में बन रही है। एल्यूमिनियम जो कि पहले के समय में कैदियों को उसमें खाना पीना दिया जाता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जहर से मरे। पीतल में कोई नुकसान नहीं, पुराने समय का आपको चाय का स्वाद आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट चाय है। प्रभु ऐसी चाय क्षेत्र के हर इलाके में हर बेरोजगार युवक ये मान ले कि हमें चाय का ही काम करना है और साथ में हिंदुओं को एकत्र करना है। अखंड हिंदू चाय वाले की जय हो। जय हिंद, जय भारत माता।